हेलो फ्रेंड्स, अर्थज्ञान हिंदी चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की सीरीज़ के पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट दी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल किस विषय के संदर्भ में है? आपके ऑप्शन है ए रूठी रानी उमा दे के बारे में, बी मध्यकालीन लोक नृत्य के बारे में, सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के राग के बारे में, डी किशनगढ़ के शासक नागरीदास के बारे में। तो इसका सही आंसर है सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के राग के बारे में। अगला सवाल है, अजमेर शहर की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी? आपके ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, बी अजयपाल, सी अजयराज, डी अर्नोराज। तो इसका सही आंसर है सी अजयराज। अगला सवाल है, 1787 में तुंगा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन एवं सिखों की सेना के बीच, बी सिसोदिया कछवा गठबंधन एवं मुगलों की सेना के बीच, सी राठौड़ कछवा गठबंधन एवं मराठों की सेना के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी राठौड़ कछवा गठबंधन एवं मराठों की सेना के बीच। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था? आपके ऑप्शन है चित्तौड़, बी गोगुंदा, सी चावंड, डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर है बी गोगुंदा। अगला सवाल है, चौहान शासक अर्नोराज के संबंध में कौन सा कथन सही है? नंबर एक, इन्होंने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। नंबर दो, इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। नंबर तीन, इन्होंने चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। नंबर चार, इनकी इनके पुत्र ने ही हत्या कर दी थी। आपके ऑप्शन है ए एक और दो, बी दो और तीन, सी दो तीन और चार, डी एक दो तीन और चार। तो इसका सही आंसर है डी एक दो तीन और चार। तो इस सवाल में ये चारों कथन ही सही है। अगला सवाल है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर उनका राजचिन्ह धारण किसने किया था? आपके ऑप्शन ए राम सहाय, बी जेता, सी जयमल, डी झालाजा। तो इसका सही आंसर है डी झालाजा। अगला सवाल है, रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? आपके ऑप्शन ए नुसरत खान, बी खिजर खान, सी उल्लू खान, डी रतिपाल। तो इसका सही आंसर है सी उल्लू खान। अगला सवाल है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किस राजकुमारी से विवाह किया था? आपके ऑप्शन है ए कृष्णा कुमारी, बी रूपमती, सी चारुमती, डी फिरोजा। तो इसका सही आंसर है सी चारुमती। अगला सवाल है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है ए राजा मानसिंह, बी महाराणा राज सिंह, सी राव मालदेव, डी महाराजा राय सिंह। तो इसका सही आंसर है बी महाराणा राज सिंह। अगला सवाल है, जयपुर नगर का मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? आपके ऑप्शन है ए राजबल्लभ, बी नापा, सी विद्याधर भट्टाचार्य, डी मंडन। तो इसका सही आंसर है सी विद्याधर भट्टाचार्य। अगला सवाल है, ललित विग्रहराज की रचना करने वाले सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी थे? आपके ऑप्शन है ए अजयराज, बी पृथ्वीराज तृतीय, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी सोमेश्वर। तो इसका सही आंसर है सी विग्रहराज चतुर्थ। अगला सवाल है, 1574 में राव चंद्रसेन को पकड़ने के लिए अकबर ने किस राजपूत शासक को भेजा था? आपके ऑप्शन है मानसिंह, बी कल्याणमल, सी राय सिंह, डी अमर सिंह। तो इसका सही आंसर है सी बीकानेर के महाराजा राय सिंह। अगला सवाल है, 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है की रचना किस शासक ने की थी? आपके ऑप्शन ए महाराजा जसवंत सिंह, बी महाराणा करण सिंह, सी स्वई जय सिंह, डी राव जय सिंह। तो इसका सही आंसर है सी स्वई जय सिंह। अगला सवाल है, उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन ए महाराणा जगत सिंह, बी महाराणा कुंभा, सी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, डी महाराणा राज सिंह। तो इसका सही आंसर है सी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। अगला सवाल है, आहड़ में मेवाड़ के शासकों में से किसकी छत्री सबसे पहले बनी थी? आपके ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, बी महाराणा अमर सिंह,
सी महाराणा करण सिंह, डी महाराणा राज सिंह। तो इसका सही आंसर है बी महाराणा अमर सिंह। अगला सवाल है, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? आपके ऑप्शन ए गोगुंदा, बी आहड़, सी जावर, डी चावंड। तो इसका सही आंसर है डी चावंड। अगला सवाल है, इंग्लैंड में संपन्न हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस शासक ने भाग लिया था? आपके ऑप्शन ए महाराजा भोपाल सिंह, बी सवाई राम सिंह, सी महाराजा गंगा सिंह, डी महाराजा उमेर सिंह। तो इसका सही आंसर है सी महाराजा गंगा सिंह। अगला सवाल है, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? आपके ऑप्शन ए माही सुल्तान, बी माही रासो, सी माही मरातब, डी माही रखव। तो इसका सही आंसर है सी माही मरातब। अगला सवाल है, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन ए कीर्तिपाल, बी बिसलदेव, सी पृथ्वीराज प्रथम, डी अर्नोराज। तो इसका सही आंसर है बी बिसलदेव। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इस सवाल में एक तरफ राजपूत राज्य दिए हैं और दूसरी तरफ इनके राजवंश दिए हैं। क्या बूंदी में हाड़ा वंश का, आमेर में कछवा वंश का, बीकानेर में राठौड़ वंश का और मेवाड़ में चालुक्य वंश का शासन था? तो इस सवाल में ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही हैं, जबकि मेवाड़ में चालुक्य वंश का शासन नहीं बल्कि सिसोदिया वंश का शासन था। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।